मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले वन विभाग के स्थायी कर्मियों और वन सुरक्षा श्रमिकों को शासन के आदेश जारी होने के बावजूद भी उसका लाभ अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले बागली तहसील मुख्यालय पर पुरानी तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी वन विभाग के स्थायी कर्मियों सम्मिलित हुए। सभी ने उक्त धरना स्थल पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, जहां से वह सभी रैली के रूप में बागली SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर SDM शोभाराम सोलंकी को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि वन विभाग के स्थानीय कर्मियों को मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 7 अक्टूबर 2016 के पालन में नियमित किया जाए। वन विभाग के समस्त स्थायी कर्मियों व PHE विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ एरियर सहित प्रदान किया जाए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। विभाग के कर्मचारियों ने कर्मचारी मंच के बैनर तले बागली में धरना दिया है और मुख्यमंत्री के नाम SDM बागली महोदय को ज्ञापन सौंपा है 5 सूत्री मांगों का, जिसमें हमने मांग करी है कि वन विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन के आदेशानुसार नियमित किया जाए और 2004 से न्यूनतम वेतनमान नियमित का लाभ दिया जाए। जो स्थायी कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं और वन सुरक्षा श्रमिक के चौकीदार हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। वन समिति के जो श्रमिक हैं और चौकीदार हैं, उनको कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए, उनका PF काटा जाए और उनको भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, बीमा उनका किया जाए। इस मांग का ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम SDM महोदय को सौंपा है और SDM महोदय ने आश्वासन दिया कि आपका ज्ञापन विधिवत मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष पहुंचाया जाएगा और सरकार गंभीरता से आपकी मांगों पर कार्रवाई करेगी। आज हमने ध्यानाकर्षण कार्यक्रम प्रदर्शन किया है और सरकार तक मांगों को पहुंचाने का काम किया है। यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो अगले चरण में विशाल आंदोलन होगा, लेकिन सरकार को हमारी मांगों को मंजूर करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।